जब भी आपका मन शांत होगा कुछ भी करने से, वो अच्छे कर्म। जिससे भी आपका मन अशांत होगा या दूसरों का मन अशांत होगा, वो बुरे कर्म। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस, यही कर्म है। जहां डिजायर उठा, कर्म हुआ। जब तक ये सवाल आपके अंदर है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाने वाला हूं, इससे अच्छा कोई कर्म नहीं है दुनिया में। इसको पकड़ करके रखो, क्योंकि ये आपको अंदर लेकर के जा रहा है। जिस दिन ये सवाल आपके अंदर से निकल गया, आप बुराई के रास्ते पे अपने आप ही चल पड़ोगे। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी, इसी को कॉन्शियसनेस बोला गया, इसी को नॉलेज बोला गया। नॉलेज कहां से आती है? कॉन्शियसनेस के स्तर के बढ़ने से। जितनी आपकी अवेयरनेस, आपकी समझ इस दुनिया की बढ़ती चली जाएगी, तो जो छोटी मोटी चीज है वो अपने आप ही छूटती चली जाएगी। जब भी हमको कोई बड़ी चीज मिल जाती है तो छोटी अपने आप ही छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती। देयर इज नो डिवाइडिंग लाइन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म। ये सिर्फ हमारे मन के वहम है। हो सकता है एक मटेरियलिस्टिक आदमी इस वर्ल्ड में रह करके एक स्पिरिचुअल आदमी जो पहाड़ पे जाकर के चोटी पे बैठा हुआ है उससे लाख गुना ज्यादा स्पिरिचुअल हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जो अपने आप को स्पिरिचुअल कहता है वो बिल्कुल ही अनस्पिरिचुअल हो, वो बिल्कुल ही मटेरियलिस्टिक हो। जो हम सोच रहे होते हैं, जैसा हमको दिख रहा होता है, वो कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होती है। जब भी हम अपना ध्यान किसी भी चीज की तरफ लगा देते हैं, चाहे वो आवाज हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो एक्सपैंड करने की चाहते हैं। आप हो, इसलिए मैं आपको नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं, इस वजह से आप हो, नहीं तो आप हो ही नहीं। आप देख रहे हो इस वजह से मैं आपको दिख रहा हूं। जहां आपने देखना बंद किया, जब कोई देख रहा है तो मैटर है, ये मैटर है, नहीं देख रहा है तो सिर्फ वेव्स है, ऊर्जा है जो बह रही है। देखने से सब चीजें मटेरियलाइज होती चली जा रही है, बनती चली जा रही है। तो मैं आपको देख कहां रहा हूं और कौन देख रहा है? क्या आप सच में हो या मेरी सिर्फ एक इमेजिनेशन?